पुर्तगाल का सैलरी सिस्टम क्या है, कितनी सैलरी इन हैंड आपको यहाँ पे मिलती है और कितनी सेविंग्स एक्चुअली में आप यहाँ पे कर पाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी और इन द एंड में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिनके साथ आप थोड़ी ज्यादा सेविंग्स यहाँ पे कर सकते हैं। स्वागत है आपका स्काई कॉर चैनल में। मैं हूँ पुनीत और मैं पुर्तगाल में रहती हूँ और मैं पुर्तगीज लाइफ स्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज बनाती हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट भी जरूर किया करें। पुर्तगाल में इस टाइम 2024 में पुर्तगीज गवर्नमेंट ने मंथली सैलरी फिक्स की हुई है। अगर आप 40 आवर्स अ वीक अगर आप काम करते हैं तो आपको मंथली 820 यूरोस बेसिक पे, इससे कम आपको नहीं मिलेंगे, 820 यूरोस आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा होते हैं लेकिन 820 यूरोस से कम आपकी बेसिक पे आपकी नहीं होगी। और ये बेसिक पे 40 आवर्स अ वीक के लिए होती है, मतलब हफ्ते में आप 5 दिन काम करेंगे और 40 आवर्स करेंगे तो उस हिसाब से आप एक दिन में 8 घंटे अगर आप काम करते हैं तो आपको 820 यूरोस मंथली आपको बेसिक पे मिलेगी और इससे कम आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बेसिक पे होती है, इसमें कुछ और चीजें भी एड अप हो जाती हैं, जैसे कि फूड के पैसे आपको मिलते हैं। फूड के पैसे डिफर करते हैं, वेरी करते हैं आप किस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स 100 यूरोस देते हैं, कुछ 120 या फिर कुछ 200 यूरोस तक मतलब देते हैं। तो 100 से 200 यूरोस के बीच में आपके फूड के पैसे होते हैं जो कि आपकी सैलरी में एड अप हो जाते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसे कितने मिलेंगे ये चीज डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे काम करते हैं, आपका एम्प्लॉयर कौन है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो उनकी पॉलिसी अलग होती है, लेकिन अगर आप किसी लोकल एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं तो उनका सिस्टम जैसे अलग होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम करते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनीज होती हैं वो फेस्टिवल के दिन अगर आप काम करते हैं, जैसे जो भी पब्लिक, जैसे कोई जो भी पुर्तगाल में फेस्टिवल्स होते हैं, अगर आप उस दिन अगर आप काम करते हैं, जैसे फ्रियादो बोलते हैं, वो उस दिन के लिए आपको डबल ट्रिपल या फिर कई बार 4 गुना कुछ कंपनीज उस दिन का आपको पे करती हैं। जैसे अगर आपको 40 यूरोस अगर आपको पर डे के मिलते हैं तो उस दिन के अगर आपने फरियादो को अगर आपने काम किया है तो आपको जैसे 150 यूरोस तक एक्स्ट्रा आपको उसके मिलेंगे। तो इस तरह जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी अलग पॉलिसी होती है, जैसे संडेज को भी जो डबल पैसे मिलते हैं। तो इस तरह जो कितने आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ओवर टाइम के कितने मिलेंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका एम्प्लॉयर कौन है। और अगर आप किसी लोकल एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं तो उनका सिस्टम अलग से होता है। तो लेकिन एक्स्ट्रा पैसे इन सारी चीजों के होते हैं। पुर्तगाल में जैसे क्रिसमस एंड हॉलीडेज के भी यहाँ पे पैसे मिलते हैं, जिसे जैसे मोस्टली लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि 14 सैलरीज मिलती हैं, जैसे 12 महीने होते हैं लेकिन सैलरीज जैसे हमें 14 मिलती हैं। जैसे क्रिसमस के अराउंड, जैसे अगर आपकी 1000 यूरोज अगर आपकी सैलरी बन रही है तो 1700 या फिर 1800 यूरोज आपके अकाउंट में आ जाते हैं, बिकॉज जैसे एक सैलरी एक्स्ट्रा क्रिसमस के टाइम पे दे देते हैं और एक सैलरी जो होती है वो जब आपने फेरियश ली हैं, छुट्टियां ली हैं या फिर इन द मिडल ऑफ द ईयर आपको वो एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं वो मिल जाते हैं। तो इन टोटल आपको 14 सैलरीज जैसे मिल जाती हैं, लेकिन कई लोगों को हर मंथ जैसे वो चीज पे की जाती है। तो अगर मैं एवरेज पे बताऊं, अगर आप पूरा साल अगर आप काम करते हैं तो आपको जैसे मंथली अगर आपकी सैलरी देखी जाए तो 1200 से ऊपर ही आपकी सैलरी यहाँ पे बनती है मंथली। अभी बात करते हैं कि आपके खर्चे कितने होते हैं, आप सेव कितना करते हैं। तो खर्चों की अगर हम बात करेंगे तो इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा ये चीज खर्चे डिपेंड करते हैं कि आप कितने जन यहाँ पे रह रहे हैं। आप सिंगल यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब फैमिली आपके साथ नहीं, आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं या फिर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। तो सेविंग्स जो है वो काफी ज्यादा इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। एंड आपके अपने पर्सनल खर्चे भी कितने, आप कितना ज्यादा खर्चा करते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर भी सेविंग्स आपकी डिपेंड करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो बेसिक खर्चे होते हैं, जो आपके होते ही होते हैं, जो कि आपको करने ही हैं, उन्हीं सारे खर्चों की बात करूंगी। एक्स्ट्रा जो भी आप खर्चे करेंगे उन सारी चीजों की बात नहीं करूंगी।
तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे सिंगल हैं, आप यहाँ पे अकेले रह रही हैं, मतलब फ्रेंड्स के साथ जैसे ग्रुप्स में जैसे बॉयज रहते हैं या फिर गर्ल्स रहती हैं, तो उस तरह अगर आप रह रही हैं तो आपके कितने खर्चे एज अ सिंगल पर्सन यहाँ पे आपके कितने खर्चे होते हैं? यहाँ पे 120 to 200 euros मंथली आपको रेंट देना होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली 150 euros पे करते हैं लोग, और इसी रेंट में ही आपका जो बिजली पानी जो भी आपके घर के जो खर्चे होते हैं उसी में इंक्लूड होते हैं। तो 150 euros आपका घर का जो रेंट हो गया। उसके अलावा अगर आप अकेले हैं तो आपका जो फूड का जो खर्चा होगा, ग्रोसरीज का जो खर्चा होगा, 200 यूरोज में आप बहुत अच्छे से यहाँ पे खा लेते हैं। कई लोग 100 यूरोज में भी खाते हैं, लेकिन अगर आप कोई ज्यादा कंजूसी नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी 200 यूरोज में आप आराम से खा लेते हैं। मंथली आपने कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने हैं तो उन सारी चीजों के लिए हम इसमें 100 यूरोज ऐड कर लेते हैं। मतलब मंथली आप 500 यूरोज में आपका जो सारा खर्चा मंथली आपका हो जाता है अगर आप सिंगल पर्सन यहाँ पे रहते हैं, तो 500 यूरोज मंथली आप खर्चा करते हैं। इसके अलावा जितने भी पैसे बचे हैं वो मंथली आप यहाँ पे सेव करते हैं। एक और चीज यहाँ पे ऐड करनी जरूरी है कि जैसे मोस्टली यहाँ पे लोग सीजनल काम करते हैं, मतलब साल में 8 से 9 months के लिए यहाँ पे काम करते हैं और 3-4 months के लिए उनके पास यहाँ पे काम नहीं होता है। तो जैसे मैंने बताया कि 1100 से 1200 euros आपको यहाँ पे मंथली आपको मिलते हैं, तो 8-9 महीने आप यहाँ पे काम करते हैं अगर सीजनल काम करते हैं तो, लेकिन 3-4 months जो आप जब आपके पास काम नहीं है तब भी आपको जो खर्चे होते हैं उसके पैसे आपको मिल जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से, जैसे जिसे यहाँ पे फुंदो बोलते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के जो पैसे होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपने कितना टाइम टैक्सेस दिए हैं, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन कितना किया है। अगर आपने ज्यादा सालों के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ज्यादा टाइम के लिए अगर आपने टैक्सेस दिए हैं, तो आपका जो फुंदो होगा, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो पैसे होंगे वो भी ज्यादा होंगे, जैसे 600-700 euros तक होंगे। लेकिन अगर आपने कम टाइम के लिए किया है, मतलब आपने ज्यादा टाइम टैक्सेस नहीं दिए हैं, तो तब भी आपको जो खर्चे के पैसे होते हैं 400-500 euros आपको उन मंथ्स में मिल जाते हैं। तो अगर आपकी सेविंग्स उन मंथ्स में नहीं होती है तब आपके खर्चे भी नहीं होते हैं, क्योंकि आपको खर्चों के पैसे उन मंथ्स में जैसे फुंदों से मिल जाते हैं। तो अभी बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके क्या खर्चे होते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं, जैसे अगर आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे हैं, बच्चे आपके यहाँ पे हैं, तो आपको जैसे सेपरेट आपको घर लेना होगा, जैसे उसमें तो आप बॉयज के साथ या फिर गर्ल्स जैसे इकट्ठी रह लेते हैं, लेकिन इसमें आपको जैसे सेपरेट एक घर लेना होगा। तो हम T1 अपार्टमेंट यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने T1 अपार्टमेंट लिया है, और T1 अपार्टमेंट का आज के टाइम पे रेंट 700 euros तक का है, मतलब मिनिमम आपको 600-700 euros, इससे कम आपको रेंट नहीं, आपको मतलब घर नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप दो जन हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपका जो ग्रोसरीज का खर्चा होगा वो 400 euros तक आप दोनों का जो ग्रोसरीज का खर्चा आएगा। और इसके अलावा भी घर के काफी ज्यादा, जैसे अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं तो काफी ज्यादा खर्चे जैसे कुछ हो जाते हैं। तो अगर आप अकेले जन कमा रहे हैं, आपकी ही सैलरी है, तो आपकी यहाँ पे सेविंग्स क्या होगी? जीरो। आपकी सेविंग्स यहाँ पे जीरो होगी, बिल्कुल भी आपकी यहाँ पे सेविंग्स नहीं होंगी अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों जन कमा रहे हैं तो सीधे सीधे आप एक जन की सैलरी सेव कर लेते हैं हर मंथ। लेकिन अगर आप अकेले जन कमा रहे हैं देन आपकी सेविंग नहीं होगी, जीरो सेविंग होगी। दिस इज अ फैक्ट, आपकी सेविंग यहाँ पे नहीं होगी। तो ये तो बात होगी कि अगर आप सिंगल पर्सन है तो आप कितनी सेविंग करते हैं, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप यहाँ पे कितनी सेविंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हर साल जैसे अप्रैल मंथ के अराउंड यहाँ पे IRS फिल करते हैं, जिसे IRS भी बोलते हैं, जिसमें आपको अपनी इनकम्स डिक्लेयर करनी होती हैं, और ये फिल करनी इम्पॉर्टेंट होती है। और इसमें अगर आप जैसे आप जब अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं तो आपकी मंथली जितनी भी इनकम होती है वो आप यहाँ पे इसमें डिक्लेयर करते हैं, और अगर उनको लगता है कि आपके खर्चे कम हैं और आपकी सैलरीज, मतलब आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो रही हैं,
तो आपको फाइन पे करना होता है। तो कई लोगों को, जैसे जो सिंगल रहते हैं, जैसे मैंने बताया उनका खर्चा कम होता है, तो कई लोगों का तो 1600 यूरोस तक उनका फाइन आ जाता है। उनको 1600 यूरोस गवर्नमेंट को पे करने पड़ जाते हैं बिकॉज उनके खर्चे कोई शो नहीं हो रहे होते और उनकी सैलरीज शो हो रही होती हैं। तो इसकी मैं आपको एक टिप, जैसे कई लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, जब भी आप यहाँ पे कुछ भी परचेज करते हैं या फिर आप यहाँ पे ग्रॉसरीज वगैरह परचेज करते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे परचेज करते हैं, तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट नंबर होता है तो वो आप जरूर डाला करें। जब भी आप यहाँ पे कुछ भी परचेज करते हैं तो आप अपना कॉन्ट्रीब्यूट नंबर जरूर दें। तो उसके साथ क्या होता है, अगर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूट नंबर देते हैं जहां पे भी आप अपना कुछ भी परचेज करते हैं, जैसे हर मंथ अगर आप ग्रॉसरीज भी लेते हैं तो अगर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूट नंबर डलवाते हैं वहां पे परचेज के टाइम, तो आपके खर्चे भी शो होते हैं कि अगर आपकी सैलरी है तो आपके खर्चे भी हैं। तो उसके साथ आपके फाइन जो आपका मंथ, जो साल के बाद जैसे आयरस का जो फाइन आता है, तो उसमें काफी ज्यादा उस चीज का अफेक्ट होता है। इसके अलावा जहां से भी आप अपनी ग्रॉसरीज मंथली लेते हैं, मतलब मेजर जहां से आप अपना सामान लेते हैं, वहां पे आप अपनी जो क्लाइंट मेंबरशिप टाइप होती है, जैसे क्लाइंट उनके जरूर बने, जैसे वहां का कार्ड ले लें। जैसे यहाँ पे एक सुपरमार्केट है कॉन्टिनेंट, हम वहां से जैसे सब कुछ परचेज करते हैं, वहां की मैंने वीडियो भी एक बार शूट की थी, मेरे चैनल पे है, जैसे हमने वहां का कॉन्टिनेंट कार्ड लिया हुआ है, तो हर मंथ हमें जैसे कुछ डिस्काउंट्स आते रहते हैं कि आपको जैसे कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, जैसे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 15%, कई बार 35% कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट्स होते हैं, कि अगर आप वो चीज़ें जैसे लेते हैं, वो प्रमोशंस होती हैं क्लाइंट्स को कि आप यहाँ पे आके परचेज करें। और ये जो क्लाइंट मेंबरशिप होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें आपको कुछ पे नहीं करना होता है। इसमें बस आपको अपनी इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है, जो भी आपका जो कॉन्ट्रीब्यूट नंबर वगैरह सब कुछ उसी में एक बार में डल जाता है। बस आपको जब भी वहां से कुछ भी परचेज करना होता है, बस आप अपना कार्ड शो करें और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, और आपको उस कार्ड से जो भी डिस्काउंट्स भी आपको मिलते हैं वो भी आपको उस कार्ड से फिर मिल जाते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि अगर आप पुर्तगाल में आते हैं सिंगल या फिर फैमिली के साथ, तो आप यहाँ पे कितनी सेविंग्स कर सकते हैं, कितने खर्चे यहाँ पे आपके होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फीडबैक जरूर दें कि आपकी यहाँ के खर्चों और सेविंग्स के बारे में क्या राय है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।